हेलो एवरीवन, फिल्मी क्रेजिस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करना, ताकि हमारी हर वीडियो हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, तो एनिमल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 236 करोड़ वर्ल्ड वाइड। जी हाँ दोस्तों, अगर हिंदी की बात करें तो 54 करोड़ रुपये कमाई थी दोस्तों फर्स्ट डे। अगर हम सेकेंड डे की बात करें तो 58 करोड़ रुपये कमाई थी दोस्तों। तो यार 100 करोड़ मात्र 2 दिन में ये कंप्लीट कर चुकी है दोस्तों अपने बॉक्स ऑफिस पे, और वर्ल्ड वाइड 236 करोड़ कमा चुकी है। बोले तो सुपरस्टार रणवीर कपूर, जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये टैग हमने नहीं दिया है दोस्तों, ये टैग वांगा साहब ने दिया है, सुपरस्टार रणवीर कपूर। देखो दोस्तों, अभी सुपरस्टार तो हम रणवीर कपूर को बोल नहीं सकते हैं। जो बंदा जो बंदा दोस्तों वायरफ की शमशेरा मूवी जो 8 करोड़ का ओपनिंग देता है, उसके बाद इसी साल तू झूठी मैं मकार 15 करोड़ का ओपनिंग देता है, वो बंदा 54 करोड़ का ओपनिंग देने वाला बन गया दोस्तों। तो यार सुपरस्टार अभी से इसको टैग नहीं दे सकते हैं हम। हाँ, आने वाला मतलब फ्यूचर सुपरस्टार बोल सकते हैं, आने वाले वक्त में फ्यूचर सुपरस्टार बन सकता है ये बंदा। देखो अभी रणवीर कपूर हो गया, रणवीर सिंह हो गया, शाहिद कपूर, वरुण धवन, ये जो आज का जनरेशन स्टार है ना, इसमें से कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि ये बंदा रणवीर कपूर आने वाले वक्त में सुपरस्टार बन सकता है दोस्तों। क्योंकि इस टाइप का वो मूवी करेगा तो 100% सुपरस्टार बनेगा, क्योंकि इस टाइप का मूवी को बहुत ज़रूरत है रणवीर कपूर को दोस्तों। और रणवीर कपूर वो जो चॉकलेट बॉय वाला एक्टिंग कर रहा है, वो कहीं ना कहीं रणवीर कपूर को नहीं करनी चाहिए, अपना वो एक नया डिफरेंट कैरेक्टर करनी चाहिए, एनिमल टाइप दोस्तों। तो एनिमल में जो तरीके से वो वांगा साहब ने उनको प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, और वो दिख भी रहे हैं यार, मतलब कि यार जो एक्शन बंदे ने किया यार फाड़ दिया, एक्टिंग भी बहुत अच्छी खासी किया है। तो यार कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि नेक्स्ट सुपरस्टार, फ्यूचर सुपरस्टार बोल सकते हैं। अभी से ही वो जो टैग दे दिया सुपरस्टार का, तो यार इसमें तो मैं बोलूँगा नहीं कि ये सुपरस्टार है। तो गाइज बहुत अच्छा कलेक्शन आया है, कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, लोगों का कहना भी कि ये कलेक्शन जो है वो फेक कलेक्शन बता रहे हैं। हालांकि मैं नहीं बोल रहा भाई, बोलने वाला बोल रहे, बोल रहे थिएटर खाली है, थिएटर में कुछ पब्लिक नहीं आ रही है, तो फिर कलेक्शन कहाँ से आ रही है। खैर जो भी हो दोस्तों, लेकिन बता रहे प्रोड्यूसर अपने फिगर रख रहे कलेक्शन को लेकर, तो यार हम लोग तो बोल सकते हैं ना भाई, क्या इतना कलेक्शन आया है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों। तो गाइज बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन की मूवी बहुत अच्छी प्रदर्शन कर रही है। अभी तो इसका जो मेन दिन है वो है वर्किंग डे मंडे से दोस्तों, और मंडे से देखते हैं कि कितना बड़ा धमाका करती है ये मूवी, तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है आप हमें जरूर कमेंट्स में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।